Good afternoon class, welcome back in your SST class. So we were on chapter number 5, natural resources. We have done the first part of this chapter, and now today we will complete the remaining part of this chapter. So the topic of of today's work is use of water in irrigation. Firstly, you should know that what is irrigation. Kya hota irrigation? To provide a water in a limited amount, okay, is called a irrigation. Okay, now farmers need water to irrigate their fields and ensure that their crops grow well. Farmers को पानी की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि वो crops की उनको अच्छे से grow कर सकें. They get water for irrigation through water. उन्हें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है irrigate करने के लिए? To give water to crops from tanks, canals, dams and so on. The water stored in dams is used for the generation of electricity. Mostly जो dams water होते हैं वो हम use करते हैं to make a electricity. Irrigation and other purpose as well. और irrigation के लिए भी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए. These dams therefore are also called multi-purpose projects. These dams called used for multi-purpose projects. Some important multi-purpose projects in India are, उनमें से कौन कौन से, जैसे कि भाखरा नागल डैम बिल्ट ऑन सतलज रिवर. कहाँ पे बना है? सतलज रिवर के पास. एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द दामोदर रिवर के पास बना हुआ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, नाउ these days sprinklers and drip irrigation. sprinklers जो कि हम एक जगह बीच में लगा देते हैं और चारों तरफ वो पानी को क्या करता है, वो पानी स्प्रेड होता है. ठीक है, नाउ एंड ड्रिप इरीगेशन, इरीगेशन मतलब जो डायरेक्टली रूट से होते हुए जाता है पानी. ओके, नाउ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर ऑटोमेटिकली वाटर एग्रीकल्चर फार्म्स एंड प्लांट्स इज अ कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड अ स्प्रिंकलर. लाइक दिस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंकलर, जो कि एक शॉर्ट अमाउंट में पानी पहुँचाता है पेड़ों पर नाउ या फिर क्रॉप्स पे. इन डिप इरीग्रेशन पाइप्स आर लेड अलॉन्ग द ग्राउंड सो दैट दे आर नियर टू द सॉइल. ये डायरेक्टली सॉइल और नियर तक पहुँचाता है पानी, जिससे कि डायरेक्टली पहुँचता है सॉइल तक. वाटर ड्रिप आउट फ्रॉम दिस पाइप्स एंड कीप द सॉइल मॉइस्चराइजर, मतलब मॉइस्ट करता है उसको. एंड ड्रिप इरीगेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, और ये पानी के भी वेस्टेज को बचाता है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर, द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नाउ इन टूडेज टाइम देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन मैनी कंट्रीज एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, नाउ Additionally, the dumping of waste from industries and sewage from big cities pollute water bodies and harm marine life. जो industries के through जो हमारा waste आता है वो directly किस में जाता है, इन जैसे कि sea है या rivers हैं. ठीक है, उनमें directly जाता है और वो हमारी marine life को क्या करता है, harm पहुँचाता है. Therefore, each one of us should do our bit to conserve water. हम सबको पानी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए. ठीक है, हाउ टू सेव वाटर, डू नॉट लीव द टैप्स ओपन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर. हमें पानी को बंद करना चाहिए अगर आप पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं. यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ शावर टू टेक अ बाथ, हमें मोस्टली बकेट का यूज़ करना चाहिए, शावर का नहीं करना चाहिए. स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर, पानी को हमें सेव करना चाहिए जो रेन, जो बारिश का पानी होता है. थ्रो टिश्यूज पेपर इन टू द वेस्ट बास्केट रेदर दैन फ्लशिंग इट. हमें टिश्यूज़ को बास्केट में थ्रो करना चाहिए, लाइक इन अ डस्टबिन. ओके, फिक्स द लीक्स इन पाइप्स इन द किचन एंड बाथरूम और एनी अदर प्लेसेज एट होम. हमारे घर के जो पाइप्स हैं, जो भी बाथरूम के पाइप्स अगर लीक हो रहे हैं उनको हमें ठीक कराना चाहिए. फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट द पॉल्यूट वाटर फ्रॉम रिलीजिंग इन टू द वाटर बॉडीज, और जो फैक्ट्री से जो गंदा पानी बाहर निकलता है उसका हमें ध्यान देना चाहिए कि वो डायरेक्टली तो नहीं जा रहा है रिवर्स में या फिर किसी पॉन्ड में या किसी लेक में. ठीक है, नाउ कम टू द चेकलिस्ट पॉइंट. अ नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज बाई द पीपल. ओके, नेचुरल रिसोर्स क्या होती है, जो हमें नेचर से मिलती है. ओके, नाउ सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल विच मीन्स दे कैन बी रिप्लेस्ड और ग्रोन बैक. रिन्यूएबल रिसोर्स वो होती है जो हम दोबारा भी क्या कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ईजी. ओके, नाउ सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सकता है और इसको लाने में बहुत साल लग जाते हैं, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. हमारी अर्थ पे 2.8% ही वाटर अवेलेबल है,
fresh water, okay, fresh water available only 2.8 for humans. Rainfall is the main source of fresh water. जो rainfall है वो हमारा main source है fresh water का. Water is used for domestic need. Water किस चीज़ में use होता है? For domestic use, for irrigation in agriculture and also industrial process. Building dams on rivers is a very effective way to store water for various purpose. Water is a valuable source, therefore we should not waste it.